संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सांसद अनुराग ठाकुर की जातिगत टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया और अनुराग ठाकुर का पुतला भी फूंका, जिसमें पुलिस के साथ भी हल्की धक्कामुक्की हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की बात की। प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अनुराग ठाकुर ने संसद में एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर के पूरे देश में बहुत आक्रोश है। एक चार या पांच दफा जिस सांसद को चुने जाने के बाद संसद में एक इस तरह का बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतनी उनकी मानसिकता और उसको दर्शाता कि वो कितने लेवल तक घटिया राजनीति तक आप उतर आए हो, जो एक संसद की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जाति की जो राजनीति, बंटवारे की जो राजनीति जिस तरह से की जाती है, वो एक मंत्री नहीं बने, क्योंकि मैं इस चीज़ को मान सकता हूं, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है कि आपको मंत्री नहीं बना, आप अपने प्लेटफॉर्म पर लड़िए, लेकिन संसद का एक आपका दायित्व है, आप इतने बड़े पदों पर रहे, युवा के अध्यक्ष रहे, चार बार आप सांसद रह लिए, एक इस तरह की टिप्पणी करना आप हमारे लिए बड़ा, ये आपके इस देश के लिए एक घातक है, ये इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना। और मैं समझता हूँ कि आपको जो नुकसान आपके जो मंत्री मंडल नहीं मिला है, वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मंत्री मोदी जी के सामने आप रखना चाहते हैं, लेकिन जो जिस भाषा का आपने दुरुपयोग किया है, वो पूरा देश, ये देश हमारा सभी धर्मों को मिलके चलता है, इकट्ठे मिलके चलता है, भाईचारे से चलता है, इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी इतनी स्तरहीन बयानबाजी करके, वो भी इतनी उच्च पदों पर रहता हुआ मंत्री रहे हैं और समाज ने उनको इतने उच्च पदों पर पहुंचाया, उस आदमी का ये स्तरहीन बयान, और आप देखिए पूरा देश देख रहा है और तुलना कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, मैं जब पिछड़ा वर्ग, दलित और पिछड़े समाज, गरीबों की जब मैं आवाज उठाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, ये गरीब के बारे में नहीं सोचती है, दलित के बारे में नहीं सोचती है और किसानों के बारे में नहीं सोचती है, युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। हमारे राहुल गांधी जी उनके बारे में सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मुझे इनकी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं संस्कार, संस्कार बोलते हैं। राहुल गांधी जी को अपनी जात बताने की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी को। उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, और पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके दो टुकड़े किए। आज ये भाजपा के लोग जो ज्यादा बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन उस इंदिरा ने कभी ये नहीं कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि काम स्वयं बोलता है। और मैं इनको बताना चाहती हूँ, और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने हर वर्ग के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षण का काम दिया, युवाओं को वोट का अधिकार दिया। अरे उस राहुल गांधी से तुम उसका जात का प्रमाण पत्र मांगते हो? और मैं कहना चाहती हूँ, ये जो भाजपा के जितने लोग हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, देश की आज़ादी में ये जात पूछते हो? किस किस की जात पूछोगे? देश की आजादी में जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, उसमें बहुत सारे अंग्रेज भी थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। सुभाष चंद्र बोस की जो पत्नी थी वो कौन थी, कौन थी वो? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमारी पहली जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट महिला, वो कौन थी? उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, स्वामी विवेकानंद जी की जो वो निवेदित सिस्टर निवेदिता थी, वो कौन थी, कौन थी वो? उन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया,
क्योंकि भारत की हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही बताती है। उससे प्रभावित होकर उन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। मैं पूछती हूँ, इनके कितने लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।